जो कृषि कानून खत्म होने के बाद शुरू हुए थे और 3 साल से लगभग इन्हीं मुद्दों पर। आपको बताऊं, अभी जो आप जमावड़ा देख रहे हैं, ये पहला जमावड़ा नहीं है। कम से कम इसके पहले 2 बार किसानों का जत्था संयुक्त किसान मोर्चा हो या ऑल इंडिया किसान सभा हो यहाँ आ चुका है। राज्यपालों का घेराव किया गया था, ट्रैक्टर मार्च को रैलियां हुई थी। हालांकि इस बीच हमने देखा कि पिछले महीने कुछ संगठन जो हरियाणा पंजाब के थे वो दिल्ली की ओर कूच करने लगे थे, वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा इस समय हिंदुस्तान में किसानों का जो संगठन है उसकी सबसे बड़ी अम्ब्रेला यूनियन है, यानी एक घटक जिसके अंदर लगभग सभी किसान संगठन दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक उसमें शामिल है। वो धड़ा यहाँ पर आया है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अब तक पंजाब हरियाणा बॉर्डर में शामिल हुए किसान संगठनों के साथ नहीं था, मुद्दे पर समर्थन। अब आप ये सोचेंगे कि इसके पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि बाहर यहाँ इतनी गर्मी में भी ये हजारों का हुजूम यहाँ आया कैसे है, तो ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। इस सांकेतिक प्रदर्शन में दरअसल एक चार्टर होगा। जब तक सत्या आपको शॉट दिखाते हैं, मैं आपको वो चार्टर दिखाऊं कि किताब में आखिर वो सबसे प्रमुख मांगे क्या है। ये तमाम जो आप ज्यादातर को देख रहे हैं इसमें बिहार से हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम सारे लोग हैं। और ये किसानों की आवाज करके एक पुस्तिका लाई गई है जिनमें 7 सबसे प्रमुख मांगे हैं। अगर आपको याद हो तो जब कृषि कानून लागू हुए थे उनको फिर वापस लिया गया था, तो किसानों ने एक मांग उठाई कि न सिर्फ कृषि कानून वापस हो बल्कि एमएसपी की गारंटी मिले, और वो भी स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके तर्ज पर, जिसका फॉर्मूला था कॉस्ट यानी C2+50% का फायदा मिले। उसको लेकर के जो हरियाणा पंजाब के किसान संगठन थे जो वहां बैठे खनौरी और चंबू पर, उनसे सरकार के प्रतिनिधियों ने 3-4 दौर की बातचीत की, कुछ नहीं निकला, सब कुछ बेनतीजा रही, वो आज वहां बैठे हैं। अब ये सांकेतिक प्रदर्शन के लिए दिन चुना गया 14 मार्च, क्योंकि किसान संगठनों को पता है कि जे एक बार आचार संहिता लगे तो आप इस तरह का जमावड़ा नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो मांग किससे करेंगे, क्योंकि सरकार तो होगी नहीं। इसीलिए चुनाव के ठीक पहले ये आखिरी बड़ी बैठक है। मांग वही है, एमएसपी की गारंटी, किसानों पर जो पिछले आंदोलन के दौरान मुकदमे थे उसको खारिज किया जाए, अजय मिश्रा कहनी जो गृह राज्य मंत्री है जिनके बेटे पर आरोप लगा था कि किसानों पर उन्होंने गाड़ियां चला दी थी जिनको बाकायदा उसको गिरफ्तार भी किया गया, उनका इस्तीफा हो जाए, और इन सब मांगों के साथ जो बिजली का रेगुलेटर एक्ट आया 2020 में उसको बदला जाए, उसको वापस किया जाए, किसानों की ऋण माफी हो जाए, मुआवजा दिया जाए। तो वो जो 7 सबसे प्रमुख चार्टर मांगे थी उन्हीं को लेकर के रिमाइंडर पे यहाँ बैठे हैं। एक दिन का सांकेतिक है, लेकिन इसमें रेजोल्यूशन क्या है? इसमें रेजोल्यूशन दरअसल ये है कि 60 करोड़ किसान, यानी 60 करोड़ अगर किसान हैं, वो ये चाहते हैं कि सरकार ने 3 साल हमारी नहीं सुनी है, तो अब जब हम चुनाव के दर पर जा रहे हैं तो ये सीधी सीधी चेतावनी है चुनाव की। आप समझे कि आजकल परसों कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो उसके पहले ये जो मामला सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब आपको उस ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड की तस्वीरों पर ले चलते हैं। आप देख पा रहे ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन है, ऑल इंडिया किसान संगठन है, किसान संघर्ष समिति है, और इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन है। तो इनके जितने संगठन है, महिला हो पुरुष हो, पीली पगड़ियों में आज यहाँ पहुंच गए थे। इनको यहाँ आने भी दिया गया, अनुमति भी दी गई कि रामलीला मैदान पर आप धरना दें और उसके बाद 3 बजे यहाँ से चले जाएंगे। तो मांगों के साथ आए हैं, लेकिन एक चेतावनी लेकर के कि 2020 से लेकर के 24 आ चुका है, मांगे मांग रहे सरकार ने सुनी नहीं है, तो वो प्रस्ताव एक चेतावनी के रूप में सरकार के लिए है कि अब आप चुनाव में जा रहे हैं, हम भी चुनाव में जा रहे हैं, जो बातें सरकार ने नहीं मानी है तो किसान बतौर यानी जो अन्नदाता है वो मतदाता भी है, तो जाहिर है उसका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। और वही चेतावनी देने के लिए दरअसल किसान शक्ति प्रदर्शन, आप इसको भी शो ऑफ कह लीजिए, शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, वही एक तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान पर दिखाई दे रही है।